दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाटा हैरियर और मेरी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की मदद से कि गाड़ी में एयर प्रेशर या नाइट्रोजन होने से टायर प्रेशर और टेम्परेचर पर कितना फर्क पड़ता है और आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी पर कितना फर्क पड़ता है हाई स्पीड में। इसमें हमें मदद करेंगे नागपुर MIDC वाले अजमेरा टायर्स भी। हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो है काफी स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव है, बट ये टायर्स के बारे में है, ना ये स्कॉर्पियो एन के बारे में है, ना ये हैरियर के बारे में है। इस वीडियो में हम आपको टायर्स रिलेटेड कुछ ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन देंगे जो सिर्फ आपकी गाड़ियों के बारे में जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन होगी। आप अगर कार के ओनर हो, कार में टायर किस ग्रेड के ले हो, क्या स्पेसिफिकेशन पे लिख के मिली हुई है, उसके हिसाब से आपको क्या समझना है, कितना टायर प्रेशर, कितना टायर टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, टायर टेम्परेचर और प्रेशर किस तरह से बढ़ता है, वो सब चीजें बताएंगे। उसके अलावा एक बेसिक कंपैरिजन बताएंगे, एक ऑल टेरेन टायर वाली मल्टी थ्रेड गाड़ी जो होती है उसमें टायर टेम्परेचर कितनी तेजी से बढ़ता है, नाइट्रोजन रिफिल करने से टायर टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है या कम तेजी से बढ़ता है वो बताएंगे। जो स्टॉक टायर्स मिलते हैं ऑल सीजन टायर्स, उसमें टायर अगर एयर ढली हुई है तो टायर टेम्परेचर कितनी तेजी से बढ़ता है, अगर उसमें हम लोग नाइट्रोजन डाल दें तो टायर टेम्परेचर कितनी तेजी से बढ़ता है, टायर टेम्परेचर के बढ़ने से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, टार रोड वर्सेस कॉन्क्रीट रोड में टायर टेम्परेचर बढ़ना और उसके बाद में जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो सब बताएंगे। तो अगर आप एक कार ओनर हो, रिस्पॉन्सिबली आपको अपनी गाड़ी का सबसे क्रूशियल कंपोनेंट को समझना बहुत जरूरी है जिसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है रोड के साथ में। क्यों अजितेन भाई? बिल्कुल अजितेन भाई मेरे साथ में है, कई सारे वीडियोज में अजितेन भाई मेरे साथ आते हैं, हैरियर के बारे में भी हम बातें करते हैं और कुछ ऐसी यूजफुल मेंटेनेंस टिप्स और कार के ओनरशिप रिलेटेड टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज भी वो सारी इन्फॉर्मेशन दोनों मिलकर के देंगे। एक एक्सपेरिमेंट पर निकले हैं, फिलहाल अजितेन भाई चला रहे हैं मेरी स्कॉर्पियो एंड 4x4 ऑटोमेटिक डीजल वाली गाड़ी। इसमें स्टॉक टायर डले हुए हैं, 255mm के टायर्स और 18 इंच की रिम्स। ये ऑल सीजन टायर्स हैं MRF वॉन्डरर के और बहुत महंगे टायर्स नहीं है, बहुत अच्छी थ्रेड नहीं है, स्टेबिलिटी डिसेंट है, ब्रेक फोर्स डिसेंट है, पर ये टायर काफी ज्यादा गर्म होते मैंने महसूस किए थे। अभी कुछ ही टाइम पहले, लगभग एक हफ्ते पहले हम लोग गए थे 26 जनवरी को संडे को समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर, तो वहां पर मैंने गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा ट्राई की क्योंकि वहां पर बहुत अच्छी अच्छी स्पीड लिमिट्स है, रोड काफी अच्छा है, चौड़ा है, खाली है और जो बैरियर वगैरह लगे हैं तो फील फ्री होता है वहां पर ड्राइव करने के लिए। मैंने गाड़ी चलाई तो लौटते वक्त मैंने देखा, एक तो माइलेज इतना ज्यादा चला गया था कि बहुत ही मतलब फ्यूल टैंक खाली सा हो गया, और दूसरा मैंने नोटिस किया था 40 डिग्री के ऊपर चला गया था टायर टेम्परेचर, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा फील लग रहा था कि यार कुछ तो स्टेबिलिटी कम लग रही है, टायर की स्ट्रेंथ कम लग रही है, मुझे ग्रिप कम लग रही थी, वो सब चीजें मैंने डबल से ऑब्जर्व करने के लिए अजितेन भाई से डिस्कस किया और आज हम लोग वही टेस्ट करने जा रहे हैं। शायद हमारे 3 एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम जा रहे हैं मेरी स्कॉर्पियो एन लेकर के, इसके बाद हम जाएंगे इनकी हैरियर लेकर के, फिर वापस आएंगे और कुछ दिनों के बाद में इसको मैं एयर जितनी भी है इस गाड़ी के टायर में वो पूरी की पूरी निकालवा दूंगा और उसमें डलवाऊंगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डालने के बाद में सेम टेस्ट करूंगा, हो सके तो भाई के साथ में आऊंगा उनको टाइम मिले तो, नहीं तो मैं अकेला जाकर के टेस्ट करके वापस आऊंगा और इसी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा ये तीनों टेस्ट के कंक्लूजन और फिर आपको साथ साथ टायर की इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे और जो भी ग्रेड्स आपके टायर पर लिखे हैं उसमें आपके काम की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम लोग समझा देंगे। तो अगर आप एक कार ओनर हो और अपनी गाड़ी को इजीली अच्छी तरह से यूज करना चाहते हो, पूरा कंप्लीट नॉलेज का रखना चाहते हो और किसी भी तरह के होने वाले पोटेंशियल एक्सीडेंट से आप बचना चाहते हो जो कि समर में ज्यादा चांसेस है, खास करके अगर आप कॉन्क्रीट रोड पर चलने वाले हो, कई लोग अभी समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर जा रहे हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, उससे अगर आप बचना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों अब शुरू होता है लगभग मेरा 20-25 दिन का। इसके पहले कि मैं टेस्ट शुरू करता मैं आपको बता देना चाहता था कि मैंने गाड़ी सुबह चलाना शुरू किया और थोड़ा बहुत शहर में ही घुमाया और दोपहर के 1:30-2 बजे तक के देखा तो यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा बहुत हाई हुआ पड़ा था। फोटो की जिसका वीडियो चालू है, ये जो है जब तेरा ये पूरा मामला घिसके इसके लेवल में आ जाएगा, अब देखिए ट्रेंड लाइन थोड़ा बेस टायर से थोड़ा ऊंचा है तो ये घिसते घिसते तब यहाँ आ जाएगा, तो इट इज टाइम टू चेंज योर टायर। अच्छा, और ये आपकी गाड़ी में कैसे, वो कहीं पता नहीं कहाँ होगी, दिख गई कहीं तो भी, ये देख नहीं, वो नहीं है अंदर में, ये देखो मिल गई, हाँ ये रही, ठीक है, ये आपके हैरियर के टायर की थर्ड लाइन है, हाँ। तो ये यहाँ तक नीचे वाला घिस जाएगा, हाँ एक तो उसमें हेयर है उसके नीचे में जो है डब्बी, हाँ, उसके बेस डब्बी जैसी जो बनी है, हाँ, डब्बी, वो डब्बी के लाइन में जब मेरा कार का वो आ जाएगा पूरा तो समझना कि इस टाइम को चेंज द टायर, उसके आगे नहीं घिसना।
तो अभी लगभग हमने 10-15 किलोमीटर चलाया है गाड़ी को और कॉन्क्रीट रोड पर भी चल रहे हैं और ज्यादा स्पीड से नहीं चल रहे हैं। तो नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी चल रही है तो देखो टेम्परेचर कितना बढ़ गया है। मैंने जब गाड़ी दी थी दादा को तो 37 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर था और ये बढ़ के 2-3 डिग्री और बढ़ गया है। जब घर से मैं निकलता हूँ तो ये टेम्परेचर होता है कितना, लगभग 20-25 के बीच में कहीं पे, और जब मैं सिटी में घूमाता हूँ तो 30-35 तक के रहता ही है। और अब भाई को गाड़ी दी, अभी हम लोग यहाँ पे चलते हुए आए और नॉर्मली सिर्फ चल ही रहे हैं, स्पीड 80 वगैरह मेंटेन की है तो ये 40 पार होना शुरू हो गया है। ये अभी हो गया है, अभी जब हम इसको 120-140 तक अगर चलाने लग जाएंगे तो कितना हो जाएगा वो देखना है, पर ये तो होना ही है। नया चीज जो है इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ वो ये है कि भैया से पूछने वाला हूँ कि स्टेबिलिटी रिलेटेड कुछ डिफरेंस उनको महसूस होता है क्या जब गाड़ी के टायर गर्म हो जाते हैं। चलो समृद्धि हाईवे थोड़ी देर बाद स्टार्ट होने वाला है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है और उसके बाद देखते हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्पीड हमने बहुत ज्यादा नहीं रखी है और प्यार से 2000 RPM पर 100 की स्पीड पर चला रहे हैं। क्रूज भी चालू करेंगे तो भी वैसे ही रहेगा और 100 तो भाई बहुत नॉर्मल स्पीड है, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि इसके एक्सप्रेस वे छोड़ देते हैं, अपना सादे जो इतने भी अपने पुराने हाईवे है उसमें भी अपन 80-100 तो चला ही लेते हैं जहाँ जहाँ मौका मिलता है। तो 40 प्लस तो अब हो गया, ठीक है। अब अगर इससे ज्यादा कुछ गया तो मैं एकदम एक्सट्रीम पे ले लूंगा वीडियो। फीडबैक नहीं मिला क्योंकि एक्चुअली अपन देख सकते हैं, अगर मैं हाथ भी ऐसा रखता हूं ना 44 पहुंच गया अपन, 44 पे चले गए। तो अब थोड़ा सा टायर वाइब्रेशन दे रहा है आपको स्टीयरिंग पे ना, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हुआ था मेरा उस दिन। डर लगता है ना भाई, ऐसा लगता है कि छोड़ दे यार, फालतू रिस्क ले, फटने वाला है, अनइवन लगता है। वही इतना प्यारा रोड है, मजा आ रहा है, तो फिर काय को रिस्क लेने का ऐसा लगता है। रोड पे ऐसा कोई जगह ही नहीं कि जिसके वजह से गाड़ी में वाइब्रेशन है, नहीं ब्रांड न्यू रोड, पूरा प्यारा रोड है, गाड़ी भी बढ़िया है, सस्पेंशन में इश्यूज नहीं है, ठीक है, लेकिन टायर भी है, सब कुछ बेस्ट है, बट फिर भी अगर मेरे को गाड़ी में वाइब्रेशन आ रहा है तो बस वो टायर ही है जो स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। चलो हम लोग आ गए हैं समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के फर्स्ट टोल प्लाजा में, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। सो ये है हमारा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग और यहाँ से हम टोल नाके से उधर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे नागपुर की तरफ। और दोबारा अब जो टेम्परेचर बढ़ गया है टायर का 44 डिग्री हो गया है, 44 और 42 है, 44-42 तक आ गया है सामने का टेम्परेचर ज्यादा तेजी से बढ़ना ही था। वैसे भी अभी तक इस तरफ से धूप आ रही थी, अब हम जा रहे हैं मुड़ रहे हैं, अब उस तरफ धूप आएगी तो वो 42 है, 44 लेफ्ट का है, हो सकता है लेफ्ट वाला इतनी तेजी से ना बढ़े जितना अभी राइट वाला बढ़ेगा, तो वो भी चीज नोटिस हो जाएगी धूप के हिसाब से। अब चलाने में एक और चीज जो मैं देख रहा हूँ कि मेरे गाड़ी में क्योंकि मेरा फ्रंट व्हील ड्राइव है तो मेरा सामने का ज्यादा टेम्परेचर एक्स्ट्रा बढ़ता है, क्योंकि एक तो इंजन का वेट उसमें एडिशनल रहता है, ट्रैक्शन में ट्रैक्शन वो टायर देता है और टर्निंग के टाइम उसमें एक्स्ट्रा फ्रिक्शन भी आता है तो उसपे बहुत ज्यादा लोड रहता है, विच इज नॉट द केस विद द रियर टायर, फ्री लोड होते हैं। और जैसे भी अभी भी अपन जैसे गाड़ी में कोई बैठा नहीं है, मेरे गाड़ी में भी यूजुअली कोई बैठा नहीं होता तो वो अच्छा कम लोड में रहते हैं, बट ये गाड़ी में कैसा है कि वो टायर में ट्रैक्शन है और सामने के टायर में टर्निंग का लोड है और इंजन का लोड है, तो सामने के टायर में इंजन का नहीं ब्रेक का लोड है और स्टीयरिंग का लोड है, पीछे वाले में गर्म होना चाहिए चारों टायर, तो पीछे वाले में 42 ही आ रहा है क्योंकि उसमें स्टीयरिंग लोड नहीं है, जो लोड है सामने वाले टायर में ज्यादा है, स्टीयरिंग सामने वाला का लेफ्ट का टायर पहले गर्म हुआ था क्योंकि जहाँ पर धूप से रुके थे वहाँ वो धूप में सिक गया था। ये तो अर्ली मॉर्निंग में भी ट्राई करना चाहिए एक बार ना, 5-6 बजे देखेंगे, सुबह सुबह अगर देखिएगा अर्ली इन द मॉर्निंग तो इट विल बी वेरी गुड कोल्ड है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे ना ये वाला ट्रिप। तो मैंने विंटर में 18-15 भी देखा है, जब मैं अर्ली मॉर्निंग निकलता था पुणे कहीं सिडनी जाने के लिए एकदम अर्ली मॉर्निंग 5-5:30 बजे तो मैंने टेम्परेचर देखा है, ओके, बट देन आई हैव आल्सो सीन द एक्सट्रीम्स। अब आप 100 में क्या डिफरेंस नोटिस कर रहे हो? अभी अपन आने वाले ड्राइव के हिसाब से अभी देयर इज अ बिट ऑफ अ वॉबल, मतलब फीडबैक आ रहा है जो इतने देर से मिसिंग था, एंड ऑनेस्टली ऐसा जब होता है तो ड्राइवर लूजेस अ बिट ऑफ अ कॉन्फिडेंस, यार शुड आई गो और नॉट, दिस इज एग्जैक्टली सेम रूट, वो पीछे जहाँ पर टोल प्लाजा था वहाँ पे डीजल पंप है, वहाँ मैंने डीजल डलवाया, 3-4 गाड़ियाँ आपकी सबकी आगे चले गई, मैं अकेला था और मैं भगा रहा था 140 पे, अभी मैं जैसे बहुत मेरे को डर लग रहा था तो मेरे को यहाँ पे जो होने वाला जो वाइब्रेशन है वो बढ़ रहा है, अभी तू देख सकते है कि मेरा हाथ विजिबली वाइब्रेट कर रहा है, हल्का हल्का शेक होता नजर आ रहा है, ये विजिबली वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा नहीं कोई नॉसिक के ड्राइवर नहीं, डर लग जाए 140 में।
तो ये चीज है। और दूसरा मैं एग्जैक्टली इस रास्ते पे था, मैं भगा रहा था थोड़ा सा, यहाँ आने के बाद मैंने स्लो कर लिया। मैंने बोला यार मैं अकेला हूँ, कुछ हुआ ना तो कोई देखने वाला भी नहीं है, तो सोचा जाने देता हूँ। फिर स्लो किया, पर इतना स्लो किया कि आप लोगों से फास्ट था, इसलिए आप लोगों को कैचअप कर पाया। बट हाँ, 100-120 तक मैक्सिमम ठीक था। फिर इसके बाद में ऑल सीजन टायर विथ एयर फिल्ड इन इट, और इतनी बड़ी गाड़ी है तो 100-120 सेफ स्पीड। इसके ऊपर तो गाड़ी ही सेफ नहीं है, रोड छोड़ दो। अब अगर इसमें मैं नाइट्रोजन डाल दूंगा, और यही टेस्ट इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा, तब देखते हैं क्या डिफरेंस लगता। फिलहाल हम जा रहे हैं वापस, और आप लेके आते हैं हैरियर को। हैरियर में है ऑल टेरेन टायर 17 इंच रिम्स के साथ, 235 mm के टायर्स हैं। उसमें एयर प्रेशर नहीं है, उसमें नाइट्रोजन प्रेशर है, जो लीकेज जल्दी नहीं होती, टायर का मॉइस्चर बना के रखती है, और टेम्परेचर भी अच्छा मेंटेन करती है। वो चीज़ टेस्ट करते हैं सेम आने के वक्त और जाने के वक्त, और स्टेबिलिटी चेक करेंगे, और फिर बताते हैं आपको कि क्या डिफरेंस हमने महसूस किया। तो टोटल 3 एक्सपेरिमेंट्स में से 1 एक्सपेरिमेंट हमारा यहाँ खत्म होता है। तो दोस्तों अब हम लोग अगले दिन आए हैं। देखो यहाँ पर है अभी 4:30 बज रहा है शाम का, 6 फरवरी है, और भाई की गाड़ी अभी थोड़ी सी चली थी तो ना टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा है, धूप में खड़ी थी गाड़ी, तो अभी अलाइनमेंट भी हुआ है। देखो टेम्परेचर चेक करा देता हूँ, 36-35 ये PS है का टायर प्रेशर, और टेम्परेचर कितना है भाई, 35 का है ना, 35 जो लोड है उससे गर्मी बढ़ती है, तो आपका आगे वाला 39 डिग्री का टेम्परेचर बता रहा है। अब हम लोग चला रहे हैं गाड़ी, और हम लोग समृद्धि हाईवे पर वापस जा रहे हैं। फिलहाल है गाड़ी के ऑडोमीटर में 5,4,3,1,9 KMs, तो देखते हैं थोड़ा सा चलाने के बाद में कितना टेम्परेचर और बढ़ता है गाड़ी का। टेम्परेचर बढ़ गया ना, 40 और 37, सो टेम्परेचर बढ़ गया है थोड़ा सा। हमने गाड़ी को चला के समृद्धि हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं आउटर रिंग रोड पर, टच कर रहे हैं, और आउटर रिंग रोड पर हम लोग एंटर ही कर रहे हैं, तो वी आर सीइंग टेम्परेचर 40 और 37 हो गए। टायर प्रेशर थोड़ा थोड़ा ही बड़ा लग रहा है, लेकिन टेम्परेचर में आ गया है चेंज। तो समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे स्टार्टेड, हमने गाड़ी की स्पीड भी अच्छी रख ली है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है धीमे धीमे, 41 पे पहुंचे, 41 डिग्री ही हुआ है। अभी तक तो 42 हो जाता था उतने में, लेकिन आपके इसमें नाइट्रोजन है तो थोड़ा स्लोली बढ़ रहा है, रैपिडली नहीं बढ़ रहा है। इतने में तो मैंने बहुत राइज देखा है टेम्परेचर में मेरे गाड़ी के इसमें, क्योंकि उसमें एयर प्रेशर डला हुआ है, नाइट्रोजन डला हुआ नहीं है। ऑडोमीटर पर जो है किलोमीटर देख लो, 5,4,3,4,3 किलोमीटर में और चला लिए। हाँ टेम्परेचर देखो, हाई स्पीड पर चलाने के बावजूद 40 और 42 टेम्परेचर में कोई ऐसा खास अंतर नहीं, नहीं अब तो जाकर 42 हुआ है, पीछे 40 है। जो तेरे को मैं डिफरेंस बता, वो क्या है फैक्टर से अपन कितने बढ़े, अपन 35 पे स्टार्ट करके 42 पहुंचे, ठीक है, विद इन अ स्पैन ऑफ कितना 10-15 किलोमीटर। अपन जब आज स्टार्ट किए थे वी आर ऑलरेडी ऑन 38, हम 38 से स्टार्ट करके 42 पे, वहाँ पिछली बार हमने 35-36 पे स्टार्ट किया था, तो हम 42 पे पहुंचे थे। हीटिंग प्रोसेस, बट 42 के ऊपर भी तो गए थे, 45 मैक्सिमम था एक करेक्ट करेक्ट। तो ये जो हीटिंग प्रोसेस है ड्यू टू नाइट्रोजन, ये चीज थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। हीट तो होगा, आप टायर जमीन पे घिस रहा है, हीट है, पहले धूप से गर्म है, सीमेंट रोड भी गर्म है, अपन इतना तेजी से जा रहे हैं, फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है, इट्स वेरी हॉट, तो हॉट तो होगा, बट हैविंग करेक्ट एयर इन योर टायर मेक्स इट अब एफिशिएंट प्रोसेस, वंडरफुल। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अपना अगर नाइट्रोजन है तो डिले तो होगा, स्लो प्रोसेस होगा, बढ़िया चलेगा अगर अपना नाइट्रोजन है तो, टायर भी सही है तो।
और टायर के ग्रेड्स पे अपन अभी रुक के बात कर लेंगे। अगले वाला जो भी अपन शूट करने वाले हैं नाइट्रोजन के साथ, मैं स्कॉर्पियो एन, उस दिन अपन टायर का ग्रेड भी रिकॉर्ड करके इसी वीडियो के एंड में दिखा देंगे। बाकी आपको एक बात बताना चाहता हूँ जितेंद्र भाई, मैं अभी कल नहीं गया था, गाँव गया था गाड़ी लेके, मैंने भी बहुत मतलब अच्छी स्पीड में चलाया, वो 45 डिग्री तक गया था। हाँ, अब ये हुआ 45 डिग्री गया, रास्ते अच्छे मिले, मैंने चलाया मस्त, हल्के हल्के वॉबल्स मुझे जो आप में बताए थे वो मुझे तो फील हो ही रहते हैं, और ये मैंने पहले भी देखे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं टेम्परेचर देखे बिना चलाता था और ऐसा समझता था हाँ रास्ते थोड़े ऊंच नीचे है तो इसलिए वॉबल हो रहा होगा। अब मुझे प्रॉपरली रीजन पता है कि जब मैं कोई सफर बिगिन करता हूँ तब वॉबल नहीं होता, तब गंदे रास्ते पे मैं रगड़ के चलाता हूँ, और जब 2-3 घंटे बीत गए हैं टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है तब वो वॉबल टेम्परेचर की वजह से हो रहा होता है। दैट्स समथिंग विच आई रियलाइज यस्टरडे आफ्टर बीइंग अ गुड ऑब्जर्वर। सो ये सब चीजें ना लोगों को भी हेल्प करेगी। कुछ कंक्लूजन वीडियो के एंड तक मैं और दूंगा, जितनी भी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स मिल सकती है। आज हमने ड्राइव के 2 वीडियो अभी कर लिए, एक और वीडियो आएगा जिसमें नाइट्रोजन ऑन माय स्कॉर्पियो एंड टायर्स वो होगा, एंड देन हम लोग अपना 3rd वर्जन करेंगे इस टेस्ट का, उसके बाद में ये वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग वापस लौट रहे हैं और देख रहा हूँ कि टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते बढ़ते 43 तक आ गया है, एंड पीछे का तो कितना है 40, पीछे का 40 है, आगे का 43 है, तो दिस इज द मैक्स वी वर टचिंग। इतनी स्पीड पे चलाने के बावजूद 43 पार नहीं कर पा रहे, और अब तो स्लो हो गए, आराम आराम से चल रहे हैं, दिन भी ढल रहा है, अब इससे ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं। सो वी हैव नियर्ड द स्पॉट बैक, गाड़ी वापस पार्क करने का टाइम होने वाला है। सो अब आगे में टेम्परेचर जो है वो 41, पीछे 37 चल रहा है, और एक तरफ राइट साइड में भी 41, पीछे में 38-37 लगभग है। टायर प्रेशर ऑप्टिमम वही मेंटेन है, टायर प्रेशर मेंटेन रहता है, व्हिच इज अ प्लस पॉइंट। टायर प्रेशर मेंटेन रहता है तो उससे भी टेम्परेचर डिसाइड होगा, क्योंकि कितना प्रेशर टायर पे पड़ रहा है, कितना तकलीफ उसको उठाना पड़ रहा है, वो चीज होती है। तो और टायर प्रेशर जो है नाइट्रोजन होने की वजह से ना बहुत धीरे धीरे कम होता है, तो आपको शायद महीने में 1 या 2 बार ही ज्यादा से ज्यादा रिफिल करना पड़ता है। ये इसमें हाईलाइट करने वाली बात है कि जब हम निकले थे तभी भी अराउंड 36-37 प्रेशर था, हम लोग इतना घूम के है हमारा प्रेशर 36-37 ही रहा है। टायर फटने का सबसे बड़ा रीजन होता है एक्सेसिव प्रेशर, करेक्ट, सादी एयर जो आपकी ज्यादा जल्दी आपको प्रेशर क्रिएट करेगी तो आपका टायर में डैमेज होना, फटना, ये सारी चीजें कॉमन है, काफी जल्दी होगी। एंड फाइनली हम घर आ गए, एंड देखो अभी हो गया 40-40, ठीक है, टेम्परेचर कम हो गया और मेंटेन्ड है टायर प्रेशर। अब अगला वाले शूट में दिखाएंगे आपको नाइट्रोजन इन स्कॉर्पियो एन विद ऑल सीजन टायर्स। अब 2 टेस्ट हो जाने के बाद में मैं अजमेरा टायर्स में ले आया अपनी गाड़ी को ताकि मैं नाइट्रोजन रिफिल करा सकूं। जब भी टायर रिलेटेड कुछ भी काम करवाना हो अजितेन भाई और मैं हमेशा अजमेरा टायर्स को प्रेफर करते हैं, और मेरा फेवरेट वाला जो है वो है MIDC हिंगना वाला अजमेरा टायर्स, क्योंकि यहाँ पर सर्विस मुझे बहुत अच्छी मिलती है, और मैं अपने क्रेटा में TPMS इंस्टॉलेशन के लिए भी जब आया था तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी सर्विस मिल गई थी। फाइनली नाइट्रोजन भरना शुरू, प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा बताना पड़ता है इसमें, 34 लगा, 34 ये वाला पीछे वाला 28 दिखा रहा है, एक बार डाल दे।
नाइट्रोजन रिफिल के बारे में मैंने एक वियर्ड सी चीज़ नोटिस करी है कि जैसे गाड़ी का टायर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई लेकर के मैं आया था तो उन्होंने एयर प्रेशर लीक करके नाइट्रोजन भरना जो चाहा, पर टायर टेम्परेचर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई था तो नाइट्रोजन डालते वक्त भी एक कन्फ्यूजन हमें हुआ। हमें अगर मशीन पर 33 दिखा रहा है तो एक्चुअल में टायर प्रेशर उतना ज़्यादा बना भी नहीं था, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना पड़ रहा है ताकि हम एक्चुअल में, लेकिन वो फिर भी कम ही पड़ गया। और जब जब मेरे टायर टेम्परेचर डाउन हो जाता था तो ये टायर प्रेशर भी कम हो जाता था, आगे जाकर के मैंने उसको करेक्ट करवाया और उसमें नाइट्रोजन रिफिल करवाया। सबसे मज़ेदार टेस्ट तो अर्ली मॉर्निंग में शुरू हुआ जब मैंने गाड़ी को 4 बजे लगभग ड्राइव करना शुरू किया और मुझे पता चला कि टायर टेम्परेचर एकदम लो दिखा रहा था सुबह सुबह क्योंकि बहुत ठंड थी। बाद में थोड़ा सा मैंने ड्राइव किया तो टायर टेम्परेचर करेक्ट हुआ और थोड़ा सा वहाँ पर इंप्रूवमेंट आया टायर प्रेशर में भी और टेम्परेचर में भी। अब जब बाहर का टेम्परेचर कम है टायर टेम्परेचर भी कम हो जाता है तो उससे टायर प्रेशर भी कम दिखाता है अगर उसमें नाइट्रोजन हो। फिर भी मैंने गाड़ी को चलाया क्योंकि मुझे नेचर ऑफ नाइट्रोजन पता था और मेरे को टायर्स में ऐसा चलाते वक्त कोई डिफरेंस लग नहीं रहा था। भले ही TPM इज कन्फ्यूज है बट एज एन ओनर हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर मैंने ड्राइव करने के बाद मैं नोटिस किया कि गाड़ी को मैंने अगर खुले ग्राउंड पर रख दिया है और 1.5 घंटा 2 घंटा मैं नहीं चला रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंडक बढ़ गई थी। 11 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था बाहर, टायर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया और 2 टायर्स जो है उनका टायर प्रेशर कम दिखाने लग गया था नाइट्रोजन की वजह से। फिर मैंने थोड़ी देर तक गाड़ी चलाई और वापस से टायर टेम्परेचर भी इम्प्रूव हुआ, टायर प्रेशर भी इम्प्रूव हुआ। बहुत देर तक मैं गाड़ी चलाता रहा और इस तरह से टायर टेम्परेचर भी बढ़ता रहा और टायर का प्रेशर भी बढ़ता रहा। एंड ऑब्वियसली थ्रू आउट दिस टाइम गाड़ी चलाने के टाइम पर टायर्स में ऐसे भी प्रॉब्लम फील नहीं होती और ऐसे ही गाड़ी चलती रही और एक टाइम के बाद में टायर टेम्परेचर अच्छा खासा हो गया और टायर प्रेशर भी परफेक्ट हो गया और टायर प्रेशर में किसी तरह की कोई वार्निंग मुझे गाड़ी के TPMS पर फिर नज़र आनी बंद हो गई। फाइनल टेस्ट विथ माय टायर्स सेम स्टॉक टायर्स और एयर प्रेशर की जगह पर अब लला हुआ है नाइट्रोजन। काफ़ी दिन हो चुके हैं, काफ़ी सारे टेस्टिंग हो चुकी है, टेम्परेचर डिफरेंसेस है कि बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है बट टायर प्रेशर का डिफरेंस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ओवरऑल ये भी अच्छा खासा मेंटेन रहता है अनलेस विंटर बहुत ज़्यादा चिलिंग हो। खैर अब तो हम अर्ली समर में पहुँच रहे हैं फेब्रुअरी एंड की तरफ। सो ये टायर प्रेशर है इस वक्त और जो अभी टाइम हो रहा है वो है लगभग 3:45 दोपहर के, तो धूप की वजह से गाड़ी के टायर ऑलरेडी गर्म है। टायर टेम्परेचर देखते हैं, टायर टेम्परेचर इस वक्त हो रहा है 40+ है सभी टायर्स में। ठीक है, थोड़ा सा जब गाड़ी चलेगी ना ये टेम्परेचर थोड़ा सा वापस चेंज होता हुआ फील होगा, उसके बाद मैं आपको एक और दिखा दूंगा, अगर ये कम हुआ तो दिखा दूंगा। फिर सीधे आपको दिखाऊंगा जब हाईवे पर मैं होगा स्पीड से चल रहा होगा उस टाइम दिखा दूंगा टायर टेम्परेचर में क्या चेंजेस मैं नोटिस कर रहा हूँ। किलोमीटर डिफरेंस भी आपको दिख जाएगा, 7806 किलोमीटर अभी गाड़ी चली हुई है, टाइमिंग भी दिख रहा है कितनी देर के बाद कितना किलोमीटर चलने के बाद में टायर टेम्परेचर और प्रेशर में क्या डिफरेंस आया, दैट यू विल बी एबल टू सी। दिस इज द फाइनल वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो टायर्स के बारे में एक स्टेप और इन्फॉर्मेशन देते हुए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि टायर की जो ग्रेडिंग होती है वो आपके टायर्स पर मेंशन भी होती है। सो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अगर देखनी है तो मैं बता दूँ। देखो आप इतना तो अब तक सब लोग समझ गए होंगे कि टायर का जो अपने को स्पेक चाहिए होता है वो यहाँ पर मिल जाता है। 255 mm के टायर्स हैं जो थिकनेस है, टायर्स की विड्थ है यहाँ से लेकर के वहाँ अंदर तक के, वो आपकी 255 mm की है। उसके अलावा उसमें 60% उसका 60% जो है वो इसका साइड वॉल है ये, एंड देन R18 ये है रेडियल टायर्स 18 इंच की रिम्स के साथ में। इतना तो हमें बेसिक पता था, अब यहाँ पर एक कोड एक्स्ट्रा हम समझते हैं 108H क्या है। इसमें 108 जो है ये इसका लोड इंडेक्स है, इसका मतलब 1000 किलो हर एक टायर मेरी गाड़ी का 1000 किलो का लोड सह सकता है। टोटल 4000 किलो का वेट चारों टायर मिलकर के सह सकते हैं अगर गाड़ी चल रही है तो। और जो H है ये इसका स्पीड इंडेक्स है, स्पीड इंडेक्स मतलब जो गाड़ी के टायर्स हैं ये मैक्सिमम कितनी स्पीड तक चलाए जाने के लिए केपेबल हैं। इस पर्टिकुलर
कोट का मतलब है मेरी गाड़ी 210 kmph तक का स्पीड लोड इस टायर को दे सकती है। हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी बोला नहीं जा सकता, लेकिन उसके ऊपर की स्पीड होगी तो डेफिनेटली डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। कोई इंडिया में किसी भी रोड पर सजेस्ट नहीं कर सकता कि 200 की स्पीड भी टच करो, 120 ही बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे यहाँ पर। लेकिन ये टायर्स पर जो लिखा है वही ग्रेड मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको ये समझ के मत चलना कि आप कितनी स्पीड पर गाड़ी चला सकते हो, ये बस आपके टायर्स की ग्रेडिंग को समझाने के लिए है। अगर 108H मेरे टायर का ग्रेड है, मतलब 1000 किलो के हिसाब से 4000 किलो गाड़ी में वजन कैरी करते हुए मेरी गाड़ी 210 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड अलाउ करती है, मतलब 120 की स्पीड तो बहुत ही अच्छी चलनी चाहिए और डिसेंटली वो चल भी रही है। बस एयर प्रेशर निकाल करके मैंने इसमें नाइट्रोजन प्रेशर डाला एंड देन दिस टायर्स आर गुड इनफ। अब मैं इसको 20-30,000 किलोमीटर और चलाना चाहूँ तो चला सकता हूँ। उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगा कि जो थ्रेड्स हैं इसकी ये कमज़ोर अगर हो गई है तो मैं इसका क्या करूँ। एक आइडिया ये रहेगा कि मैं इस टायर को बदलवा लूँ या फिर मैं इसको थोड़ा सा आराम से चलाते चलाते इसको पूरा का पूरा 50,000 किलोमीटर तक यूज़ करूँ, जो मैं नहीं करने वाला हूँ। क्या होता है कि जो ऑल सीजन टायर्स होते हैं, जैसे कि ये ऑल सीजन टायर्स की जो थ्रेड होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत पतली पतली थ्रेड्स हैं, डेप्थ नहीं है इन थ्रेड में बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखो आप, इनके बीच में यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा है पर यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। आपस में इनकी जो डेप्थ है बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे भी अच्छी डेप्थ होती है अगर ये ऑल टेरेन टायर्स होते हैं तो। सो इस तरह से आप अपनी गाड़ी के टायर देखो, स्टॉक टायर आपको मोस्टली ऑल सीजन ही मिलेंगे, ऑल टेरेन टायर वाली गाड़ियाँ बहुत कम होती है। प्रॉपर SUVs जो होती हैं उन्हीं में दिया जाता है ऑल टेरेन टायर स्टॉक में, और ऑल सीजन टायर होते हैं तो आप उसकी गाड़ी को 80-100 की स्पीड पर चलाओगे कोई सी भी गाड़ी को तो उतना बुरा हाल नहीं रहेगा। और लोड इंडेक्स तो मैंने आपको बता ही दिया, कभी भी आपकी गाड़ी के टायर का लोड इंडेक्स या स्पीड इंडेक्स आपको समझना है गूगल पर डालो लोड इंडेक्स टायर एंड या फिर आप स्पीड इंडेक्स ऑफ टायर ये डाल दोगे तो आपको अपनी गाड़ी के टायर के स्पेक्स समझने में आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंटिल हियर एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।